स्वागत है फ्रेंड आप सभी का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो अंक गणित से आने वाले हैं और ये आपके काफ़ी एग्जामों में पूछे भी जाएंगे। फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए यूजर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विक्रयकर सहित एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1232 रुपये है तथा विक्रयकर की दर 10% है। यदि दुकानदार ने 12% का लाभ कमाया तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो फ्रेंड नीचे ऑप्शन दे रखे, ए वाला 1000 रुपये, बी वाला 1120 रुपये, सी वाला 900 रुपये और डी वाला 950 रुपये। तो फ्रेंड किस प्रकार से हल करना है? फ्रेंड क्वेश्चन में पूछा कि विक्रय मूल्य का दर यानी कि 1232 है, यानी कि हमें वस्तु की लागत मूल्य नहीं पता, हमें लागत मूल्य नहीं पता। तो हम रुपये जो कि रुपये माना कि हम यहाँ पे मान दिया हमने कि वस्तु का जो वस्तु का लागत मूल्य है यानी कि लागत मूल्य रुपये एक्स है, यानी कि एक्स है। उसी प्रकार से यहाँ पे कि तब एक्स का यानी कि एक्स का जो कि यहाँ पे 10% है तो हम लगाएंगे यहाँ पे तब एक्स का, तब लगा दिया मैंने तब एक्स का 110% का और 112 यानी कि 112 ये नीचे वाला 112 यानी कि 12% 112 लिख लिया, बराबर कर दिया 1232। इस प्रकार से मैंने 1232 कर दिया। तो फ्रेंड अब मैं क्या करता हूँ आप देख लेना कि एक्स का मान हमें मालूम नहीं, यानी कि वस्तु का मान हमें मालूम नहीं है, अभी मालूम नहीं है, बराबर कर दिया मैंने 1232 लिख लिया और गुना कर दिया उसको, फिर यहाँ पे 100 से बट्टा 110 गुना, उसी प्रकार से 100 से आपको फिर बट्टा करना है 112 यानी कि 112। उसी प्रकार देखो फ्रेंड ये है 10% और ये है 12%, मैंने उसी परसेंट का किया, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसे एक्सप्लेन कर लोगे, यानी कि अगर इसको आप गुना भाग करके फिर इसे गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 रुपये। इस प्रकार से जो कि ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन पूछा का यदि संतरों की कीमत 40% कम थी तो रुपये 120 में 32 संतरे ज़्यादा खरीदे जा सकते थे, संतरे की वर्तमान कीमत क्या है? तो फ्रेंड क्वेश्चन में यही पूछा का कि संतरे की वर्तमान कीमत क्या है। तो फ्रेंड ऑप्शन में दे रखा यहाँ पे 1 रुपया यानी कि 1.50 पैसे, 3 रुपया, 2.50 पैसे और यहाँ पे 2 रुपया। तो फ्रेंड किस प्रकार से इसे हल करते हैं आपको देख सकते हो कि हमें वर्तमान की संतरे, पहले तो हमें वर्तमान जो कि अभी संतरे की वर्तमान जो कि हमें मालूम ही नहीं है कि संतरा कितने रुपए का है, तो माना कि हम संतरे की, माना कि संतरे की जो कि वर्तमान कीमत एक्स लगा दिया हमने, एक्स लगा दिया तथा संतरे की पुरानी कीमत जो कि संतरे की पुरानी कीमत 120 है, 120 को हमने आधा किया, 120 का आधा करने पे हो गया 60, यानी कि हमने एक्स का यानी कि संतरे की पुरानी कीमत हो गया एक्स का 60%, यानी कि 60% एक्स का 60% लगा दिया हमने। उसी प्रकार हमने यहाँ पे 0.6x लिख दिया पर्सन के अनुसार, यहाँ पे पर्सन के अनुसार जो कि 120 रुपये है, 120 से हम कर देते हैं उसे बट्टा 0.6x से बराबर यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस से 120 यानी कि 120 से बट्टे एक्स हो गया, उसी प्रकार से टोटल निकल जाएगा यहाँ पे 32 निकल गया, सिंपल सा 32 निकला। उसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी करना है, फिर अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, 120 बट्टे एक्स कोष्टक 1 - 0.6 / 0.6 बराबर 32, इस प्रकार से आएगा 32। फिर आगे आपने फिर आगे उसी प्रकार से करना है 120, क्योंकि अभी क्वेश्चन अभी अधूरा है, एक्स फिर गुणा करना है आपने 4/6 से, गुणा करने पे आपका फिर आएगा 32, सिंपल सा उसी प्रकार से आपने करना है एक्स बराबर 120 गुना 4/6 गुना 32 लिखने पर आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आप इन्हें एक्सप्लेन करके अगर इसको आप एक्सप्लेन करते हो, पहले आप 4 का 120 से गुना करना है, फिर 32 से 6 यानी कि 6 से 32 का गुना करना है, फिर उसे भागा दे देना है या बट्टे में कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे
2.5, सिंपल से इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 2.5 यहाँ पे है, जो कि 2.5 रुपये यानी कि 2.5 रुपया संतरे की वर्तमान आयु यानी वर्तमान कीमत है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड इसी प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे हुए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन पूछा का एक वस्तु के लागत मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ का प्रतिशत होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रतिशत ऑप्शन में दे रखे और किस प्रकार से आंसर निकालना है। तो फ्रेंड जो कि हमें अभी मालूम नहीं है कि विक्रय का मूल्य यानी कि लागत मूल्य जो कि यहाँ पे 10 या 11 है, हमने 10x और 11x माना है, तो हम लिख लेते हैं 10x यानी कि यहाँ पे लिख दिया मैंने 10x, जो कि माना कि वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का क्रमश 10x और है 11x, यहाँ पे 11x एक्स है। उसी प्रकार जो कि हमें विक्रय लागत मूल्य को हमें लागत मूल्य से घटा देना है, तो सिंपल यहाँ पे विक्रय मूल्य और यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे हमें लागत मूल्य को घटा देना है, घटा दिया फ्रेंड यहाँ पे, और यहाँ पे बट्टा करके लागत मूल्य लिख लेना है, लागत मूल्य इस प्रकार से लिख लेना और उसे गुना कर देना है 100 से, यानी कि 100 से हमें गुना कर देना है, सिंपल सा उसी प्रकार, तब जो कि लाभ प्रतिशत आएगा आपका, सिंपल से इस तरफ लिख लेता हूँ, यहाँ पे 11x माइनस 10x और यहाँ पे आपको करना है बट्टा और 10x को यहाँ पे गुना कर देना, और फिर यहाँ पे गुना करके आपका 100% यानी कि 100% आपसे यहाँ पे करना है। जब आप इनको माइनस करोगे तो माइनस करने पे आपका यहाँ पे आ जाएगा 10 से फिर गुना करने पे, तो 10 × 10 यानी कि 10 से अगर 10 माइनस कर दो तो यहाँ पे x से x माइनस कर दिया आपने, और 10 से 10 माइनस तो 1 बच गया यानी कि 1/10 हो जाएगा, तो अगर आप 1 से 10 से करते तो 10 ही आएगा ना, तो सिंपल सा 10% आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा 10%, यहाँ भी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 60 वर्ग सेंटीमीटर सतही क्षेत्र पर वाले धातु से बने घन का एक गलाकर, घन को गलाकर 0.5 सेंटीमीटर लंबाई एवं वर्गमूल 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे स्टील सिलेंडर में परिवर्तन किया जाए तो कितने पूर्ण सिलेंडर डाले जा सकते हैं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में पूछा का कि कितने पूर्ण सिलेंडर डाले जा सकते हैं, तो फ्रेंड इसमें सूत्र तो लग रहा है पाई, यानी कि पाई का मान लग रहा है, तो पाई का मान 22/7 होता है, इसी प्रकार से 22/60 पाई का मान होता है, और फ्रेंड क्वेश्चन में पूछ सका कि कितने पूर्ण सिलेंडर डाले जा सकते हैं। तो फ्रेंड अभी हमें घन की, जो कि घन की भी भुजा पता नहीं, तो हम घन की भुजा मान लिया हमने कि घन की भुजा ए सेंटीमीटर है, यानी कि ए सेंटीमीटर घन की भुजा है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो कि पूछ सका वर्गमूल छः, तो हमने डाल दिया 6a² इसी प्रकार से 6a² बराबर 600 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 600 वर्ग बराबर हो गया a² = 100, इसी प्रकार से a² = 100 कर दिया हमने। उसी प्रकार हमें अभी a का यानी कि घन की सेंटीमीटर ज्ञात नहीं है, तो घन की सेंटीमीटर जो कि यहाँ पे घन को गलाकर 0.5 सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन हम अभी घन का सेंटीमीटर निकाल रहे, तो a बराबर 10 सेंटीमीटर जो कि घन का है, और यहाँ पे जो कि अभीष्ट सिलेंडर की संख्या का, जो कि यहाँ पे अभीष्ट जो कि घन का आयतन, यानी कि घन का आयतन भी आपको बता देता हूँ, तो घन की आयतन भी 10/ यानी कि 10²³, इसी प्रकार से, और जो अभीष्ट सिलेंडरों की संख्या हमें अभी इतना ही ज्ञात है कि 10 सेंटीमीटर अभिष्ट यानी कि सिलेंडरों की संख्या है, तो घन का आयतन, अब हम घन का आयतन कर लेते हैं, घन का आयतन उसी प्रकार से हम बट्टे कर लेते हैं, और साथ में यहाँ पे एक सिलेंडर का आयतन भी लिख लेते हैं कि सिलेंडर का आयतन कर लेते हैं इसी प्रकार से। अभी हमें ये मालूम नहीं कि हमने आगे घन का सेंटीमीटर, तो घन का जो कि 3 किया था हमने, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 10 × 10 × 10 इसी प्रकार से। नीचे हमें पाई का मान स्क्वायर यानी कि पाई का मान लिखना होगा 22/60 इस प्रकार से पाई का मान लिख लेना है 22/60, फिर उसे गुना कर देने हमने 7 से, जो कि हमने यहाँ पे जो कि क्वेश्चन में पूछा का 0.5 सेंटीमीटर लंबाई है, तो हमें उसे भी लिखना होगा, तो 0.5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिख लिया,
और फिर उसको जब हमने बट्टा करके स्क्वायर में, तो 10 का स्क्वायर हो गया, हमने 1000 लिख लिया। उसी प्रकार से नीचे हमने लिख लिया 22 गुना 0.5 लिख लिया। टोटल आंसर निकल जाएगा यहाँ पे, जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेन करके आपका आंसर आ जाएगा 90.9 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में 90.0 यानी कि 90.09 यानी कि 90.9 कोई सेंटीमीटर है तो नहीं है फ्रेंड। ऑप्शन में यहाँ पे 11, 8, 9 और इनमें से कोई नहीं, तो फ्रेंड यहाँ पे इनमें से कोई नहीं पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड इसी क्वेश्चन में पूछा का कि राम की आय कितने परसेंट जो कि ज़्यादा होगी, यानी कि राम की आय कितने परसेंट ज़्यादा है, ना कि श्याम की आय पूछा का। तो यहाँ पे श्याम की आय से राम की आय पूछा का, तो फ्रेंड किस प्रकार से आपको इसको हल करना है। और यहाँ पे 20% भी दे रखा, तो आपको लिखना है अभिष्ट प्रतिशत, जो कि प्रतिशत होते हैं, प्रतिशत में आपको 20/100 से आपको 20 माइनस कर देना है। 20 माइनस करने पे आपका यहाँ पे 80 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसी प्रकार आपने यहाँ पे 100 से भी गुना करना है, यानी कि 100 से भी गुना करना है आपने, 100% से, मतलब 100% से। तो किस प्रकार से आप आंसर निकालोगे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। जैसे आपने यहाँ पे किया 20/80 लिख लिया बराबर, यानी कि 20 बराबर नहीं सॉरी गुना 100%, जो कि मैंने उसी टाइप का लिखा था वहाँ पे 100%, सिंपल सा। बाद में इसे एक्सप्लेन करने पे अगर आप 100 से एक्सप्लेन करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 25%, सिंपल से। इस प्रकार से आपका आंसर निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन थे मेरे अंकगणित से, जो कि आपके काफ़ी एग्जाम में पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।